तो दोस्तों आपके लिए ना हम छेना बनाने का तरीका लेकर आए, तो मेरे जैसे इसी तरह छेना बनाइएगा दोस्तों। इसका मीठा है रसगुल्ला, इतना नरम सॉफ्ट बनता है जो क्या बोलेंगे दोस्तों। तो आपके लिए देखिए हम बहुत ही अच्छा से छेना बनाकर दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा विलेज देसी किचन पर आपको बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। फिर आगे एक रेसिपी लेके वो रेसिपी देखते रहिएगा। तो दोस्तों आज ना वो रेसिपी होगा, ये देख रहे हैं ये दूध जो है ना, यहाँ पर हमने देखिए 2 लीटर गाय का फुल क्रीम दूध लिए। आज यही दूध का आपको हम छेना बनाकर दिखाएंगे। तो दोस्तों छेना बनाने के लिए चूल्हा जलाना पड़ेगा, तो चलिए चूल्हा जला लेते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए चूल्हा जल रहे हैं। आप ये देखिए कढ़ाई लिए हमने, तो दोस्तों कढ़ाई में ना जब दूध डालिएगा उसमें पहले थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए दूध हम इसमें डाल दे रहे हैं। अगर आपका पास गाय का दूध नहीं होगा ना, तो आप वो जो फुल क्रीम का पैकेट दूध, अभी जो पैकेट दूध है ना हर दिग में मिलते हैं, तो आप पैकेट दूध भी लेकर बना सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताया था ना जे ये चूल्हा पर हम आपको रेसिपी बनाकर भी दिखाएंगे। तो दोस्तों देखिए मेरा चूल्हा देखिए कितना अच्छा जल रहे। तो दोस्तों मेरा जैसा चूल्हा अगर आप बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। और अगर मेरा चैनल पर आप नया है ना, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो चूल्हा वाला वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए दूध पर उबाल आ गई है, आप इसको उतार लेंगे। देखिए हमने देख रहे हैं ये विनीगर लिए, यही विनीगर से छेना को फाड़ा जाता है। आप दोस्तों जानते हैं ये जो चावल दाल जो दुकान पर मिलते है ना, उसी दुकान पर जाके बोलिएगा छेना फाड़ने वाला सिरका दीजिए, तो देख रहे हैं यही सिरका आपको दे देगा। तो दोस्तों देखिए हमने 2 लीटर पर माप बना ले रहे एक चम्मच से, मेरा चम्मच देख रहे है? हमने 2 चम्मच डाला, भर के 1 चम्मच पानी भी दे दिए। तो दोस्तों देखिए हमने यही जो विनीगर रखा है ना, इसको थोड़ा दूध लिए आप देख रहे हैं इसी में डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक बार में नहीं डाल देंगे। हमने विनीगर डाल के छेना को बनाए। अब ना दोस्तों जो खट्टा वाला नींबू होता है उसका भी रस डाल के बना सकते हैं। देखिए दोस्तों हमने सब डाल दिए इसमें। अब धीरे धीरे करके इसे चलाएंगे इसको, देख रहे हैं दोस्तों, देख रहे हैं छेना कट रहे हैं ना। देखिए दूध में से देख रहे हैं छेना पूरा अलग हो गई है, और देखिए ये जो पानी देख रहे हैं पूरा पानी की तरफ लग रहा है। तो देखिए दूध में से छेना अलग पानी अलग हो गया, अब इसको हम छान लेंगे। और दोस्तों आपका पास अगर कुछ छानने वाला होगा ना तो ले लीजिएगा, हमने देखिए मेरा पास ये है इसको ले लिए। और इसमें एक सूती जो कॉटन कपड़ा होते है ना उसको भी दे देंगे। तो छेना पर देख रहे हैं हमने कुछ पानी देख रहे हैं डाल रहे इसमें। आ दोस्तों ये पानी ऊपर से डालने से क्या होता है, विनीगर ना बहुत खट्टा होता है, तो ये पानी से थोड़ा छेना पर रख दीजिएगा ना तो खट्टापन चल जाएगा। मेरे प्रिय दोस्तों आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं छेना बनाने का तरीका, तो दोस्तों कुछ दिन के बाद ना सावन का भी महीना आ जाता है, तो सावन का महीना में बहुत सारा मिष्ठान का जरूरत भी पड़ता है, कुछ पनीर का भी काम हो जाएगा, तो इसीलिए आपको छेना बनाने का तरीका सिखाया। तो दोस्तों आप ना ये जाली के ऊपर में इसे रख कर, और इसके ऊपर में ना कुछ भारी भी रख सकते हैं ऐसे,
भारी रख दीजिएगा ना तो पानी अपने सब सूख जाएगा। छेना को देखिए अच्छा से पानी निचोड़ लिए। ये दोस्तों हमने ना बहुत ही अच्छा से ये छेना में से देख रहे हैं पानी को निचोड़ लिए, देख रहे हैं। तो दोस्तों आप ना यही छेना से रसगुल्ला भी बना सकते, गुलाब जामुन भी बना सकते, पेड़ा भी बना सकते, संदेश भी बना सकते, हर चीज इसमें बना सकते। तो दोस्तों देख लिए और सीख भी लिए छेना कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों मेरा ये छेना बनाने का तरीका आपको अच्छा लगे होगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरह नया नया कुछ रेसिपी का वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ना इतने भर रहेगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और भी मिलेंगे नया नया वीडियो के साथ।